Hi guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Nidhi and we are in Mumbai. Huh? Yes, Mumbai. Huh? Mumbai. Huh? Mumbai. So we are going to a film festival, Jio Mami Mumbai Papa. Film Festival. Papa. Yes, Papa bhi jayenge. So Mami stands for Mumbai Academy of मूविंग इमेज. सो ये फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा होता है और इसकी चेयरपर्सन है प्रियंका चोपड़ा और ये इसके को चेयरमैन है नीता अंबानी. इतने बड़े बड़े लोग इसका जो अगर आप लिस्ट देखोगे ना जो इसके डायरेक्टर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बहुत बहुत सारे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं तो वो आप चेक कर सकते हो. उसके अलावा प्रियंका चोपड़ा भी इस शो में आई हुई हैं और जैसा आप लोगों ने अभी पूरे इंस्टाग्राम पर देखा होगा कि वेलकम टू पीसी एंड एवरीथिंग. सो दिस इज़ द पास हेयर ईरा ने मुझसे ले लिया और इसका प्राइस है 1500 रुपये. जो लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं फिल्म के लिए इस फिल्म फेस्टिवल में जो बाहर की मूवीज़ होती हैं वो भी रिलीज़ होती हैं तो आप ये पास लेकर आप जितनी चाहो उतना मूवीज़ आप देख कर आ सकते हो. दिन में 4, 5, 3, 2, 1 जितना आपको चाहिए और सारी अलग अलग कंट्रीज़ की फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उनको लोग देखने आते हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं मूवीज़ के लिए. थैंक यू. ईरा और मैं दोनों जा रहे हैं. हम लोग शायद मूवी देखने तो नहीं जाएंगे. मैं बस कि वहाँ का क्या माहौल है. कल वो भी आई थी क्या नाम है श्रद्धा कपूर जिन्होंने अभी न्यू रेड लैम्बोर्गिनी ली है. लगी बेटा को कुछ नहीं हुआ. बेटा कुछ नहीं हुआ. इरा अपन चले. अपन चले. हम लोग बस थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं वापस आ जाएंगे. इसके फेस्टिवल में जो पहली फिल्म लगी थी वो थी करीना कपूर की. नाम मुझे याद नहीं आ रहा. चलो यार पहले चल लेते हैं. कैसे चलोगे भैया? कितना मीटर? कोई तो आया. इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ऐसे गार्ड आए हैं और मैं तो ऐसे भकभका गई. कुछ तो हुआ है. सो मुझे जाना है गेट नंबर 18 मामी के लिए. सो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स देयर. और यार क्या मज़ा आ रहा है. मैं एकदम अलग फीलिंग है यार. बहुत अलग फीलिंग है.
कांट बिलीव मैं उसी जगह हूँ जिसकी ओपनिंग अभी रिसेंटली हुई है। इतने सारे क्लिप्स आए थे, सब कुछ ऑन सोशल मीडिया, इतना ज़्यादा वायरल था। आर यू हैप्पी? मेरा भी सो के उठी है यार, लॉटो में सो गई है तो इतना चिल नहीं कर रही है, नीचे भी नहीं उतर रही है। थिएटर में जाने को तो नहीं मिला, मैं जाना भी नहीं चाहती थी वैसे, और क्योंकि आज सिर्फ डायरेक्टर्स देख सकते हैं, आज सिर्फ उन लोगों को एंट्री है। हाँ, बट बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा यार ये, कितना एलिगेंट, कितना क्लासी जगह। स्काई ट्री, इरा, इरा, थक गए। तो हम लोग आ गए हैं वापस। इरा को मैंने भी बस सुलाया है, उसको खाना वाना खिला के सुला दिया मैंने। वो थोड़ा सा बच्चे थोड़ा हो जाते हैं परेशान, वो थोड़ा परेशान हो गई रास्ते में, ऑटो में ऊपर से इतना ट्रैफिक रहता है मुंबई में। मैंने आज वो भी एक्सपीरियंस कर लिया, क्या बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुंबई आऊँगी, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलूँगी। हाँ, बस देखना ही काफ़ी था। सामने उन लोगों ने इतने प्यार से बात की, इरा को खिलाया, वो बहुत काफ़ी था। मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ। हम लोग वहाँ गए, इतना प्यारा इंटीरियर, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, और इतनी क्लासी तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया। ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें किसी किसी के तो घर में भी मिल जाएंगी, इतने कारपेट हम लोग जैसे यूज़ करते हैं, और क्या था, साड़ियाँ, जैसे मम्मी इतनी मेरी साड़ियाँ पहनती हैं, उनमें से एक दो डिज़ाइन तो वैसे मिल जाएगी, और क्या था, वूल की डिज़ाइनें है ना, और हाथ से पेंट करना कपड़े पे, बहुत सारी कलाकारियाँ थी वहाँ पर। मतलब वो पूरा, मतलब अगर आप उसका विज़िट करोगे ना, तो इट्स लाइक कि आपने पूरा छोटा छोटा इंडिया का कल्चर समझ लिया धीरे धीरे, है ना। हाँ, वो उसका पर्पस भी वही है, नीता अम्बानी कल्चरल सेंटर जो है। और हाँ, एक मैंने इतना अजीब, एकदम साउथ इंडियन मूवीज़ में जैसा नहीं दिखाते हैं कि कोई एक्टर आता है या कोई ऐसे बड़ी पर्सनालिटी आती है तो सब लोग भाग रहे होते हैं, है ना। अपन उसने मूवीज़ में देखकर कैसा बोलते हैं ना कि यार ये साला भाग कर है, कैसे कितना ड्रामा दिखाते हैं, पर नहीं यार, एक्चुअली ऐसे ही होता है। मैं गई वहाँ पर और मुझे जाना था दूसरे, मतलब शायद 17 या 18 गेट नंबर पर, और मैं क्रॉस कर रही थी 13 या 12 गेट को, हाँ 12 होगा। तो जैसे मैं वहाँ पर पहुँची तो उस रोड को थोड़ा ना पहले से वो लोग ब्लॉक कर रखा था उन लोगों ने, कि जैसे जो भी कोई गेस्ट वो आएगा तो हम लोग फुट से ही कर देंगे। तो जैसे वो गेस्ट अराइव हुए, उन लोगों ने देखा है ना, पहले वो गाड़ी एकदम स्लो आ रही थी, मे बी बताने के लिए कि जैसे हम आ गए, है ना। और फिर जैसे वो जो वहाँ पर गार्ड खड़े थे, उस बिल्डिंग के गार्ड, एंड नीता अम्बानी का जो कल्चरल सेंटर है वहाँ पर जो गार्ड्स खड़े थे, उन लोगों ने फिर लोगों को रोक लिया कि चलो मेक अ स्पेस, उन लोगों को अंदर आने दो करके। और भाई वैसे डार्क कलर की गाड़ी एकदम भूम करके आगे बढ़ी, है ना अंदर घुसी, और
आसपास में जैसे जो गार्ड्स हैं कुछ कॉल पे हाँ, और ऐसे एकदम धुआंधार सा कुछ तो बात हो रही है और सब भाग रहे हैं इधर उधर, और अचानक से फिर भूम करके एक दूसरी गाड़ी आई, उसमें से गार्ड्स उतरे हैं, एक पुलिस की गाड़ी भूम करके जिसमें से कुछ गनमैन उतरे हैं। अरे भाई साहब क्या एकदम, पता नहीं कौन था, कोई तो बड़ा आदमी आया था जो मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं दिखा। ओ मुझे तो क्यों ही दिखता उस जगह पे, मेरी एंट्री तो होती नहीं ना। तो भाई साहब क्या एकदम नज़ारा सा मैंने देख लिया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो साउथ की मूवी चल रही है। एक्चुअली ऐसे ही होता है भाई, वो देखो अब साउथ की मूवियों को कोई कुछ नहीं कहेगा, एक्चुअली ऐसा ही था, या पता नहीं मूवी से सीख लिया होगा, मत समझो या जो भी है, कि वो जो थिएटर में जो मूवी चल रही थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी उस टाइम पे। देन दे सेड कि है ना आपको कल आना पड़ेगा, मैंने कहा ठीक है। बाइक मेरे भैया वगैरह हैं वो लोग गए थे अंदर और वो लोग फुल ऑन मूवी देख कर आए हैं, एक दिन में चार चार मूवियाँ देखी भाई उन लोगों ने, कैसे तो वही जानते हैं कैसे देखी होगी। तो वहाँ पे दो सेलेब्स भी आए हुए थे जिनको मैंने रेड कारपेट पे नहीं देखा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हुए, बट हाँ मैंने उन लोगों के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराई, और वो लोग इतने प्यारे लोग हैं ना, मतलब इतने डाउन टू अर्थ। वो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर मैं आपके साथ फ़ोटो क्लिक करा सकती हूँ क्या, मैं ना प्रेमिसेस से बाहर निकल रही थी और तब मैंने देखा, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड मुझे एक बार फ़ोटो क्लिक करानी पड़ेगी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई हो। इनफैक्ट जब मैं कैबिन क्रू थी तब भी जैसे अनिल कपूर आए थे एक बार फ्लाइट में, एक बार क्या नाम है अख्तर करके ना, जैसे एक दो सेलेब्स आए थे, तो हम लोग को ऐसे अलाउड नहीं था जाकर बोलना कि ना, नहीं तो कोई शिकायत कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो मैं पब्लिक ही थी यार, छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं ना अपने आसपास, वहाँ जाना चाहिए, थोड़ा नज़रिया बढ़ता है सोचने का देखने का। और ये जो फिल्म फेस्टिवल था ये तो एक्चुअली बड़ा था यार, इसमें आप जैसे अलग अलग कंट्रीज़ की अच्छी अच्छी फिल्म जिनको अवार्ड विनिंग टाइप की जो फिल्म है वो रिलीज़ की गई, वो आप देखो है ना, दूसरी कंट्रीज़ में क्या है लोगों का सोचने का तरीका वो पता चलता है। उसके बाद कई सारे बड़े बड़े लोगों की लाइफ हिस्ट्री जिसको क्या बोलते हैं, जीवनी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो बताई गई है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने ये एक दो ही पढ़ पाई क्योंकि मैं देख नहीं सकी, तो मैंने उन्होंने जो बुकलेट वगैरह दी थी वो मैंने पढ़ी। और हाँ इन लोगों ने कुछ गुडीज़ भी दिए थे जिसमें कॉफ़ी थी, बड़ा इतना बड़ा कॉफ़ी का पाउच था, और एक आई थिंक नोटबुक है, मैंने अभी खोली भी नहीं है। और क्या था, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।